उस पार्टी काम बहुत करती है, डिलीवर बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन हम उस तरह बता नहीं पाते हैं। तो दूसरा फिर ये सोशल मीडिया के हवाले से कि सोशल मीडिया पे भी जारी बात है, अब एक सोशल मीडिया का ज़माना है, बाकी पार्टियां जो आपकी मुखालिफ बड़ी पार्टी हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बड़े एक्टिव हैं, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव रहते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं, पीपल्स पार्टी उसमें थोड़ी पीछे दिखाई देती है। तो आपको लगता है कि ये पीपल्स पार्टी की कमज़ोरी है, पीपल्स पार्टी को बेहतर करना चाहिए? ये बिल्कुल बिल्कुल कमज़ोरी है। ये मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने जितने काम किए या जितने काम हम करते हैं उतने शायद हम बता नहीं पाते, और उसकी बिल्कुल ये सोशल मीडिया पर हमारे लोग इतने एक्टिव नहीं है जितना उनको होना चाहिए। और सच्ची बात तो ये है कि मैं कई दफ़ा देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर बड़ा शोर होता है, जब मैं जाता हूँ ग्राउंड पर तो चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। ये बड़ी आप अहम बात करें, यहीं से शुरू करते हैं कि जो सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीज़ी भी होता है, एक दूसरे की पगड़ियाँ भी उछाली जा रही होती हैं, लोग ये समझते हैं जो सोशल मीडिया पर अगर कोई बहुत ज़्यादा इसके फॉलोअर्स हैं तो वो उसका वोटर है, वो ग्राउंड रियलिटी जरा डिफरेंट। अब तो रोबोटिक और पता नहीं कौन कौन से तरीके आ गए हैं अकाउंट्स बनाने के, बहरहाल ये मैं इतना इसको टेक्निकली नहीं समझता, इस पर मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। लेकिन हमारे मेजॉरिटी की राय, लेकिन मैं आपको मेरा सिर्फ एक पैगाम है कि बिल्कुल आप ये मुल्क है तो हम सब हैं, इसमें अगर सियासत भी करनी है तो वो एक अंदाज से करनी है, अच्छी अंदाज से करनी है, अपने अच्छे असूलों से करनी है, ज़िंदगी भी गुजारनी है तो अच्छे तरीके से गुजारनी है, मीडिया के प्रोग्राम बनाने हैं तो वो भी यही चीज़ मद्देनज़र रख के बनाने हैं कि कहीं हमारे इस प्रोग्राम से पाकिस्तान की इन मामलात को तो ना कोई गुजांद पहुँचा दें। अगर हमने सियासत करनी है तो हमने यही सोचनी है, तजारत करनी है तो यही सोचनी है, सर्विस करनी है तो यही मुल्क के मफाद में, और यही अपने बच्चों को सिखाना है। ठीक है सर, पीछे का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए ये सब चीज़ें जो है डिटरमिन करेगी 8 फरवरी। अच्छा, उसके अलावा आप आईपीपी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं, क्योंकि आईपीपी पार्टी तो नहीं है लेकिन जो उनके तमाम, देखिए मैं कोई नहीं पेशनगोइयां करता है जी, सच्ची बात है, इससे ये भी एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। मैं समझता हूँ कि देखें कि आखिर में पीपल ऑफ पाकिस्तान आर दी बेस्ट जजेस। अरे सर, अगर भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब जिसने उसको लेकर चलें, और आपकी पीपल्स पार्टी में अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहें, आपको लगता है कि बिल्कुल वैसी या कुछ तब्दीली? कोई फ़र्क नहीं, हालात के तहत छोटी मोटी वो होते हैं बातें, लेकिन बिल्कुल वही पीपल्स पार्टी है, वही निज़ाम है। देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त एक लेगेसी चलती है ना जी, तो उसमें कुछ चीज़ें आगे जो हैं वो पास ऑन होती हैं, तो वक्त के तकाज़ों के तहत आपको बिल्कुल एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। जो बातें आप 1905 में कर रहे थे, जो जहाज़ आपने उड़ाया था, वो आज 1924 में तो आप नहीं उड़ा सकते, तो मॉडिफाई होती हैं ये, उसमें एक अपनी शेप्स लेती रहती हैं हालात के तकाज़ों के तहत। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज भी आप देख लें कि पार्टी जो है वो मौजूद है, खाए वो पाकिस्तान का कोई कोना खुदरा दुनिया में जहाँ कोई पाकिस्तानी होगा, तीन भी घर होंगे तो एक आदमी निकल ही आएगा पीपल्स पार्टी का। जहाँ आप किसी नुक्कड़ पे जाकर आवाज़ लगाएं तो कोई ना कोई निकल कर आपको बताएगा कि मैं पीपल्स पार्टी हूँ। तो पाकिस्तान के फिर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी को देखने आगे जाके? जी मेरी तो ख्वाहिश है। ठीक है, और पाकिस्तान की जो भी पार्टी आगे आती है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज आपके मुताबिक क्या हो? इकॉनमी होमवर्क तमाम पार्टियां कर, इकॉनमी और पाकिस्तान की आवाम को कॉन्फिडेंस देना, अनसर्टेनिटी को ख़त्म करना, और सबसे बड़ा चैलेंज आपके मुताबिक इकॉनमी। ठीक है, उस पर तमाम पार्टियों ने अपना होमवर्क शुरू कर दिया है, क्योंकि तनकीद इख्तलाफात और इल्जाम की बुछाड़ तो हम सुनते हैं लेकिन होमवर्क भी किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि नारे लगाए जाते हैं बड़ा बीबी बंदे तो यही है ना जी, बाहर से लाएंगी यही बंदे हैं पाकिस्तान के। सवाल होता है कि बंदे करेंगे कि नए तरीके से क्या करें? नहीं, और कहाँ से लाएंगे, बाहर से इम्पोर्ट कर लेंगे? यही बंदे हैं, यही लोग हैं, इसके फिर दो पहलू, यही है और उसको इलेक्ट कौन करेगा? पाकिस्तान की आवाम बस करेगी, लेकिन वो बंदे फिर नए अंदाज से। आप कॉन्फिडेंस भी रखें ना, किसी के बारे तो कॉन्फिडेंस रखें। अभी हम देखो ना एक प्रोसेस में जा रहे हैं, खुदा के लिए इस प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल ना करें। मेरा एक ही है सब जमातों से, अगर आपने इलेक्शन में जा रहे हैं तो फिर इलेक्शन पर ईमान रखें और इसको कंट्रोवर्शियल ना रख करें। इसको कंट्रोवर्शियल कर देंगे तो इस सारी एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या होगा? फिर ही अगर आपने यही काम करना है कि एक ने कहना है कि मैं जीता हूँ, तो जीतने वाले के अलावा सब ने उसको पढ़ जाना है, जैसे मैंने आगाज में कहा, ठीक है, हारने वाला कभी अपनी हार तस्लीम नहीं। तो फिर ये फिर आपको फिर रिविजिट करें ये सारे सिस्टम को, फिर कोई और चीज़ सोचें, मतलब कहीं बैठ कर कोई फैसला तो कर लें।
इलेक्शन होता है तो इलेक्शन आप कर, अभी देखें ना हमने पहले ही शुरू कर दी, अभी जो ये हो रहे हैं जो सर्वे हो रहे हैं दो नंबर हो रहे हैं। अच्छा सर्विस को दो नंबर नहीं, मेरी बात सुन लें, इसलिए कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। ये गलत हो रहा है जो भी हम कर रहे हैं, तासुर दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडे करते हैं, मीडिया पे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे करते हैं। खुदा के लिए जब तक आवाम को कंफ्यूज हमने करके रख दिया है, झूठ को सच और सच को झूठ कर दिया, इस तरह न करें। ज्यादा कंफ्यूजन कौन फैला रहा है मुताबिक? मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता, सारे ही हम चला रहे हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। ये को कौन चला रहा है वो, यही तो आपको ना, आप लोग उस पे चले जाते हैं। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, माशरे की बात कर रहा हूँ, मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। आप इसमें कुछ सुधार करने की अगर कर सकती हैं, आप डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं, अपना बिस्मिल्लाह किरदार अदा करें, कुछ सोचें इस पर। आप मुझे नहीं पता क्या करेंगे आप, लेकिन सोचें कि इस मसले में हम कोई मदद कर सकते हैं सोसाइटी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।